हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले कि आप अपने प्रीमियर प्रो में स्लो मोशन वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और यार, हम ये भी देखेंगे आप अपने स्लो मोशन वीडियोस को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कैसे बना सकते हो। स्लो मोशन वीडियोस बनाते समय वीडियोस में बहुत ही ज्यादा लैग टाइप का इफेक्ट आ जाता है। हम यार सारा कुछ देखेंगे कि आप वीडियो को स्मूथ और बेहतर कैसे बना सकते हो। तो गाइस, मैंने एक सैंपल वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। अब यार इसी वीडियो को हम लोग यार स्लो मोशन करके दिखाएंगे। तो गाइस, स्लो मोशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस आर इस बटन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड को घटा देना है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास कर देना है। आपको जितना स्लो करना है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फ्लो इस चीज को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको ओके कर दें। तो गाइस, आपका स्लो मो क्रिएट हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्लो मोशन ज्यादा स्मूथ नहीं है। तो यार, हम यार इसे थोड़ा और भी स्मूथ बनाएंगे। तो इसके लिए आपको फिर से अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सीक्वेंस में जाना है और यहाँ पे रेंडर सिलेक्शन कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे आपका रेंडरिंग स्टार्ट हो चुका है। रेंडरिंग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे ही रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो आपका स्लो मो है काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो गाइस, रेंडरिंग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो स्लो मोशन है पहले से काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है। तो गाइस, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।